KGF 3 फुल स्टोरी और आपके मन में उठे सवालों का जवाब आपको पिक्चर में ही तेजी से फॉरवर्ड कर दिया गया। तो आइए सुनते हैं KGF 2 का पूरा फुल स्टोरी और इसका प्रोड्यूसर ने भी डायरेक्टर ने भी इसे कर दिया है अलाउंस कि KGF 3 आएगा, इसीलिए आपके मन में पूरा सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा। अधीर, ये तो मर गया, रॉकी तो मर गया। हाँ, तो आपको याद है वो बच्चा जिसके अधीरा के सैनिकों के सामने अकेला ही डायलॉग बोल गया था। और ये देखिए गोल घेरा, ये गोल घेरा जो रेड से किया गया है, ये बच्चा वही है सेम। और ये जा करके आपको किसी भी मूवी का कनेक्शन के लिए सब पहले से ही तय होता है, उसमें पहले से दिखाया जाता है, बस उसको जल्दी से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बहुत कम लोग ही देख पाते हैं कि लोग उसमें डायरेक्टर क्या बता रहा है, कहाँ पर क्वेश्चन छोड़ रहा है, किसके साथ संबंध है। बहुत सारे ऐसे होते हैं और लोग इसी को नहीं देख पाते हैं। हाँ, कहानी देखते हैं, आ जाए भी क्यों भाई, कि उससे क्या मतलब है। हाँ, ज़्यादा परेशान होता है तो थोड़ा सा दिमाग लगता है, तब दोबारा दिमाग लगता है कि अरे भाई इसके आगे क्या होगा। इसीलिए डायरेक्टर भी वही काम करते हैं कि पब्लिक को आधा अधूरा कहानी उसमें बताते हैं ताकि वो आगे के सीरियल आगे के पिक्चर देखने के लिए बेचैन हो जाए, और यही उनका मकसद होता है। ठीक है, तो चलिए कहानी का आगे की कड़ी जोड़ते हैं, क्योंकि रॉकी तो मर गया है। हाँ, और आपको याद है मरने के बाद उसकी मम्मी को, उसकी माँ को उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको भी थोड़ा सा दिमाग दे कि भाई क्यों नहीं दिखाया गया। हाँ, और वो बच्चा तो याद ही है, पहले ही बोल चुका है, जो भगवान मानता है रॉकी को, जो कबीरा के ही सैनिक में भर्ती होने के लिए चला गया है। हाँ, और दूसरा कनेक्शन ये है कि आप उस अधीरा को जो भी आता है वो मार करके चला जाता है, मार कर चला जाता है। और बागी याद है आपको, बागी इसी का। तो रॉकी ऐसे भी अपनी माँ से वादा कर चुका है को कभी हार मानेगा नहीं, और उसकी माँ भी सेम है, तो जाहिर सी बात है ये कहानी आगे KGF 3 बन रहा है, और उसका पूरा का पूरा कहानी आपको इससे भी मज़ेदार और इससे भी अच्छी लगेगी। साउथ मूवी, हॉलीवुड और बॉलीवुड